बर्थडे और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने यहाँ पर अनाज वितरण का कार्य रखा है और ब्लड डोनेशन का काम रखा है। और हमने उनसे बात की, मेरे चौधरी ने कहा है कि किसी को ब्लड देना किसी एक व्यक्ति की जान बचाने के बराबर है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया जी है। आज वीरेंद्र नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी का बर्थडे, आप किस तरह से शुभकामनाएं दें? आज हमारे मित्र और नगर सेवक का जो हमारे नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी का बर्थडे है, आज भी लग रहा है कि वीरेंद्र चौधरी मुझे तो 30 साल के लग रहे हैं और मैं उसको शुभकामना देना चाहता हूँ कि भगवान के हेल्थ वेल्थ सब अच्छे रखे और पूरा जो काम कर रहे हैं अच्छी तरह कामयाब करे। आज उन्होंने ब्लड डोनर का कैंप का अच्छा किया प्रोग्राम और धान्यम पाठक का प्रोग्राम, यहाँ पे 2000 फैमिली को धान्य पाठक का प्रोग्राम किया है और मैं चाहता हूँ और आगे इसे प्रोग्राम करते रहे, भगवान उसको और तरह की मदद की सब देवे। धन्यवाद। चौधरी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, बर्थडे तो हर कोई ना कोई अपना सेलिब्रेशन करता है और सेलिब्रेशन करना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन के दौरान विदन चलो कई लोगों से दुआ मिलती है, दुआ इसलिए देते हैं कि आप नगर सेवक है, लोगों का अच्छा काम करते रहो और अच्छे काम होने चाहिए, इसलिए बर्थडे का जो माहौल करने का इसी तरह बर्थडे के माहौल के तहत ये इनको आज और उसके साथ में आज बर्थडे होने के बाद उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर अनाज बांटने का काम किया है गरीब लोगों को। लॉकडाउन के दौरान तो जो था ही, अभी भी चालू है लॉकडाउन, कोई ज़्यादा ऐसे खुला नहीं हुआ है, तो जो जितने मालूमी गरीब लोग हैं उनके बर्थडे के तरफ से उनको एक भेंट राशन का यहाँ अभी वितरण हो रहा है। साथ साथ में अभी ब्लड डोनेशन का भी काम रखा हुआ है। ब्लड डोनेशन का काम इसलिए रखा है कि आज कोविड के माहौल में कई लोग जो कोविड से बीमार है वहाँ लोगों को ब्लड की कमी हो रही है, रक्त की कमी हो रही है, इसलिए ये जो आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से जितने भी नगर सेवक है मुंबई के हाई कमांड ने कहा है कि जितना हो सके आप ब्लड डोनेशन का काम करिए, इसलिए हमारे इसी तरह यहाँ ये सब सारे ब्लड डोनेशन के जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे लालडे कैबिनेट मिनिस्टर सलमानी श्री असलम शेख उनके माध्यम से हम लोग जितने भी आज कार्यक्रम किए उनके मार्गदर्शन में किए और हम लोग ब्लड डोनेशन यहाँ पर जमा करते रहेंगे और जितनी हो सके हमारे कांग्रेस की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ब्लड जमा करने का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य करेंगे। जिस तरीके से आपने आज राशन बांटने का प्रोग्राम रखा है, कितने राशन आपका इनसे बात बोलो क्या बोल रहे हैं? जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोग का अभी टारगेट है लगभग 1200 लोगों को यहाँ पर जनता को 1200 फैमिली को हम लोग को अनाज बांटने का हम लोग का कार्यक्रम है। आज का हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का जन्मदिन है तो वो अवसर पर हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है जो यहाँ के जितने भी गरीब हैं उनको सबको उनकी फैमिली को ये कोरोना महाकाल में अनाज बांटने का ये किया है। ब्लड डोनेशन कैंप का हम लोग का आज 300 बोतल जमा करने का हमारा कार्यक्रम है और अभी देखेंगे तो अभी तक ऑलरेडी 150-200 बोतल जमा हो गई है और 300 का टारगेट हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। और ये जो भी हो रहा है ये हमारे माननीय मंत्री जी श्री असलम शेख जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो ये एक अच्छा कार्य है कि अभी जो कोरोना काल में जो ब्लड की सब जगह पर सब हॉस्पिटल में कमी है तो वो कमी को पूरा करने के लिए वीरेंद्र भाई ने ब्लड कैंप और अनाज बांटने का आज का प्रोग्राम रखा है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको आपने जन्मदिन पर बहुत अच्छा दिया। मेरा कम से कम 1200 फैमिली को किट देने का काम मेरा आज का टारगेट है
और वो मैं पूरा करूँगा। हमारे पालक मंत्री असलम सिंह जी का ये उनके नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। हम लोग 300 का टारगेट है लेकिन हम लोग 300 क्रॉस करेंगे 4 बजे तक। आज देख रहे हो आप, वहाँ जाके देखो ब्लड डोनेशन कैंप में कतार लगी हुई है, क्योंकि ये सब मंत्री असलम सिंह जी का प्यार है। जो ऑलरेडी 200 हो चुकी है तो ये मोहब्बत है लोगों में कि जो ब्लड डोनेट देने के लिए भी कतार में खड़े हैं। जो आज जो अपना देश कोविड के अंदर ये बहुत बड़ी महामारी है जो किसी ने कभी सोचा नहीं था, इंसान इंसान से डरने लगेगा। तो जो ब्लड लेके हम लोग, एक जन अगर कोई ब्लड देता है तो एक जन की जान बचाता है। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी एक कसम खाई है कांग्रेस पार्टी ने, कि हम लोग हज़ारों की संख्या में हमारे हॉस्पिटलों में ब्लड देने का काम करेंगे और वो करते रहेंगे, आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र चौधरी जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे असलम शेख जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो उन्होंने अपने जन्मदिन में रक्तदान शिविर और साथ में जो अनाज बांटने का कार्यक्रम किया है, ये अपने में बहुत एक बड़ी सराहनीय है। कि वो बताना चाहते हैं कि वो इस मालोनी मलाड और हमारे मुंबई की जनता के लिए वो कितने कोशिश में जुटे हुए हैं कि कोई भी आदमी तकलीफ़ में नहीं रहना चाहिए। जब से ये हमारे मुंबई कांग्रेस की रक्तदान शिविर शुरू हुई है तब से अब तक पूरे मुंबई कांग्रेस ने 10,000 से अधिक बोतलें जमा करके सर अपने सरकारी खाते में दी है ताकि लोगों की मदद हो सके। लगभग 10,000 बोतलें पूरे मुंबई में जमा कर चुके हैं। राम राठौड़ी, आज डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के जन्मदिन को बहुत सारी मैं बधाई देता हूँ, और हमारा और पूरे मालोनी के डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से वीरेंद्र चौधरी को बहुत सारी बधाइयाँ हों। और ये जो कैंपेन चालू किया गया ब्लड डोनेट बैंक का, आज हमने 300 ब्लड पैकेट डोनेट कर लिया गया है। और हमारा मीन्स मंत्री जी असलम शेख जी के मंत्री की तरफ से जो ये हमारा टारगेट रखा गया है जो कि 1,000 पैकेट जो ब्लड बैंक इस डोनेट किया जाएगा, और लोगों को जो इसमें ब्लड की कमी हो रही है क्योंकि कोविड के महामारी के तरफ से जो कमी हो रही है, इसलिए हमने ब्लड को डोनेट किया जा रहा है। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है उस ब्लड के लिए हमने रिक्वायरमेंट सेफ में रख सकते हैं। और हमारे वीरेंद्र चौधरी की तरफ से आज हज़ारों पैकेट जो ये कार्यक्रम, हज़ारों पैकेट राशन का, तेल का, गेहूँ का एक्सेट्रा दिया गया है, ये गरीबों के लिए दिया गया है। और वीरेंद्र चौधरी जी ने इस समय वार्ड क्रमांक 33 से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किए हैं, और लोगों का बहुत गरीबों का मसीहा है, और इनके तरफ से गरीब हो, बड़े हो, अमीर हो, इनके लिए लोगों के लिए सर्व सम्मान की इज्जत देते हैं। और इन्होंने आज तक कभी भी जात धर्म वेद भाव का कोई भावनाओं से राजनीति नहीं किया है। वार्ड क्रमांक 33 में नल से लेकर के, झोपड़ा से लेकर के, गरीबों से लेकर लोगों का सहयोग करते रहते हैं। इसी सब कामनाओं के साथ आज वीरेंद्र चौधरी जी का जन्मदिन है, इसलिए बहुत सारी मैं बधाई धन्यवाद देना। आज नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी का जन्मदिन है और हमारे साथ नवयुग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट इरफान भाई है, आइए हम उनसे बात करें। वीरेंद्र भाई इधर के जो वार्ड के नगर सेवक है उनने उसमें कही है, जितने उनका जो साल गया है वो साल के उन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों की मदद भी की है। लास्ट मंथ में उनने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था तो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ था, तो उनने फिर वो रिपीट किया है कि बोले भाई मेरे जन्मदिन के अवसर पर बोले मैं 1,000 लोगों को राशन भी बांटूंगा और जो मेरा टारगेट रह गया था ब्लड डोनेशन कैंप का वो डोनेशन कैंप भी मैं कंप्लीट करके ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट दूंगा बोले मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांदीवली के शकील भाई, आइए उनसे बात करते हैं कि वो वीरेंद्र चौधरी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे। जी शकील भाई। वीरेंद्र भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं और उनको तो हम लोग बधाई दे रहे हैं जन्मदिन के, हर बार मुबारक हो। और वीरेंद्र भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मंत्री साहब असलम भाई भी बड़े हैं और वो बहुत पूरे मालोनी में पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और काम के बारे में वीरेंद्र भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके लिए आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे का दिन है, सब लोग बधाई देने के लिए गणेश नगर से सब लोग आए हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि राशन का वितरण किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या ऐसे ही जन्मदिन जिसका भी हो उस तरीके का आप मैसेज देंगे कि लोग ऐसे ही जो प्रोग्राम किया जाए जिससे गरीबों का फ़ायदा हो? यही अच्छा है, जो ब्लड डोनेट है और राशन बांट रहे हैं, गरीबों की मदद भी हो रही है और खून भी डोनेशन हो रहा है, ये सबसे अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। बर्थडे जो भी मनाएं और ऐसी इसी तरीके से मनाएं कि गरीब का फायदा हो, डोनेशन खून का जो ब्लड का उसका भी हो जाए।